छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता विकास तिवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को नक्सलवाद के नाम पर प्रदेश की जनता से माफी मांगने की आवश्यकता है। राज्यपाल महोदया को पत्र लिखने का अधिकार उनको नहीं है, क्योंकि वे नक्सलियों को माटी पुत्र भूमि पुत्र कहकर संबोधित करते थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुशासन के कारण ही बस्तर में 1800 एकड़ से अधिक जमीन को आदिवासियों को वापस किया गया। अरब वह मुख्य धारा से जुड़कर तरक्की के रास्ते पर चल रहे हैं। करने का काम पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह किया करते थे। अब जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुशासन में प्रदेश तरक्की कर रहा है, कोरोना महामारी के समय भी जीएसटी का कलेक्शन अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है, नरवा गरवा घुरवा बारी योजना अपना मूल रूप ले रही है, गोधन न्याय योजना के तहत किसानों को गोबर का मूल्य मिल रहा है, बस्तर के अंदर में किसानों को बलात् अधिग्रहित की गई जमीन 1800 एकड़ से अधिग्रहित से अधिक की जमीन को वापस किया गया है, बस्तर के युवा मुख्य धारा में जुड़कर खेती किसानी कर रहे हैं, 2500 रुपये धान समर्थन मूल्य उनको प्राप्त हो रहा है, जो रमन सरकार के समय एक सपना मात्र था। रमन राज में छत्तीसगढ़ की बदनामी ना केवल देश बल्कि विदेशों में भी होती थी। एरसमेटा और तालमेटला में जिस प्रकार सैकड़ों सैनिकों को सीआरपीएफ के जवानों को मारा गया, निर्ममता से उनकी हत्या की गई, इस बात का जवाब भी डॉक्टर रमन सिंह को देना चाहिए कि उस समय उन्होंने क्यों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय को पत्र नहीं लिखा। डॉक्टर रमन सिंह को पत्र लिखने का अधिकार नहीं है। हाँ, उन्हें प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए और अपने कारण अपने कार्यकाल में जो नक्सलवाद बढ़ा है उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समय न्यूज।